मोदी जी के नाक के नीचे से इतना बड़ा स्कैम हो गया और ना तो मोदी जी ने इस्तीफा दिया और ना ही उन्होंने शिक्षा मंत्री से इस्तीफा लिया। नीट NEET नीट 2024 में स्कैम कोई मामूली घटना नहीं है, ये नीट का स्कैम। फिर NTA को पेपर लीक पर इतनी जल्दी क्लीन चिट क्यों दे दी गई? दोस्तों इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा क्योंकि आज देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार किस तरह से आम जनता के साथ धोखाधड़ी कर रही है उसका जीता जागता उदाहरण यह स्कैम है। और इस स्कैम में NTA को क्लीन चिट इतनी जल्दबाजी में क्यों दी गई, इस सवाल का जवाब अब सुप्रीम कोर्ट में हर किसी को देना होगा जो भी इस मामले से जुड़े हुए हैं। तो वीडियो को स्किप ना करें और अंत तक जरूर देखें क्योंकि आपकी रूह कांप जाएगी सारा सच जानने के बाद। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश नीति पर। देश नीति केवल सच्ची और पक्की खबरें। 60 लाख छात्र की जिंदगी तबाह हो गई और सरकार की ये खामोशी बर्दाश्त करने लायक है नहीं। 60 लाख स्टूडेंट्स थे जिनकी किस्मत का फैसला NTA के हाथों में था। ये 60 लाख वो बच्चे हैं जिन्होंने साल 2023 और 24 में NTA के जरिए JEE, प्री मेडिकल नीट एग्जाम, UGC, नेट, ये तमाम अलग अलग एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हिस्सा लिया। लेकिन कैंडिडेट्स को फेल पास का सर्टिफिकेट बांटने वाली NTA खुद बार बार फेल साबित हो रही है। डॉक्टर बनाने वाले एग्जाम यानी नीट में गड़बड़ी सामने आई और सरकार खामोश नजर आ रही है। विपक्ष इस मुद्दे को सदन में उठाना चाह रहा है, विपक्ष इस पर सवाल कर रहा है, जवाब मांग रहा है सत्ता से, लेकिन मोदी जी के मुंह पर ताला लग गया है, खामोशी सेलोटेप लगा हुआ है। छात्र हमेशा की तरह विरोध कर रहे हैं, मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। करोड़ों बच्चों का है ये मेहनत करके, वक्त, पैसा, इमोशन सब लगा करके एग्जाम की तैयारी करते हैं ये, और NTA जैसी संस्था की एक गलती उनकी पूरी जिंदगी को बदल के रख देती है। इसीलिए हम पूछ रहे हैं कि ऐसे कैसे संभव है कि सरकार इस पर मौन है और बिल्कुल भी इस्तीफा शिक्षा मंत्री से नहीं मांगा जा रहा है। सरकार ने कैसे पल्ला झाड़ लिया वो आपको आगे मैं बताऊंगी, लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि लाखों बच्चों की मेहनत और मानसिक हालात पर कैसे हमला किया जा रहा है। दरअसल 5 मई को जिस दिन नीट UG का एग्जाम था उसी दिन बिहार पुलिस और इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट ने नीट पेपर लीक से जुड़े एक गैंग को पकड़ा था। पटना के शास्त्री नगर थाने के थाना अध्यक्ष अमर कुमार ने इस मामले को एक FIR दर्ज इस पर उन्होंने कराई थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि कैसे पटना के एक हॉस्टल में कई लड़के को पहले से क्वेश्चन पेपर मिल गया था। बिहार में नीट की परीक्षा में आप कह सकते हैं कि स्लोअर गैंग जो है वो 90 लोग उसके चलते गिरफ्तार हुए हैं अब तक। पटना पुलिस ने 14 लोगों को गिरफ्तार किया, वहीं पूर्णिया से 4 लोगों की गिरफ्तारी की खबर आई, सभी मेडिकल स्टूडेंट। इसके साथ ही गोपालगंज पुलिस ने भी एक छात्र को गिरफ्तार किया था। और आप शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी का रिएक्शन सुनिए। वो कहते हैं कि नीट परीक्षा में किसी प्रकार की धांधली, भ्रष्टाचार या पेपर लीक का कोई भी पुख्ता सबूत अभी तक सामने नहीं आया है। पेपर कभी भी लीक नहीं हुआ। NTA में भ्रष्टाचार का सवाल ही नहीं उठता। ये बहुत विश्वसनीय निकाय है। शिक्षा मंत्री ने किस जांच के आधार पर यह बयान दिया था? उन्होंने कैसे NTA को पहले सवाल पर ही एकदम क्लीन जो है एकदम पूरी तरीके से उसके लिए ग्रीन सिग्नल उन्होंने दे दिया था, उन्हें क्लीन साबित कर दिया था, उन्हें क्लीन चिट दे दी थी? क्या पटना पुलिस से उन्होंने कोई जानकारी हासिल की थी क्या? NTA को पेपर लीक पर इतनी जल्दी क्लीन चिट शिक्षा मंत्री ने कैसे दी? क्या शिक्षा मंत्री ने किसी और एजेंसी से जांच कराई थी? टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी खबर के मुताबिक पुलिस ने दावा किया है कि नीट के क्वेश्चन पेपर के लिए 30 से 50 लाख रुपए लिए जा रहे थे। मतलब डॉक्टर बनने का सपने के लिए आपको मेहनत, लगन की जरूरत नहीं है। आपके पास अगर पैसा है तो आप
उस सर्टिफिकेट को, उस डॉक्टरी सर्टिफिकेट को खरीद सकते हैं। आज देखिए दोस्तों क्या हाल है शिक्षा का, और शिक्षा मंत्री की बातों को माने या पटना पुलिस को। बता दें कि साल 2017-18 के बजट में तत्कालीन केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के गठन की घोषणा की थी, यानी एनटीए की। फिर पीएम मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट ने एनटीए के गठन को मंजूरी दी थी, मतलब हायर स्टडीज के लिए अहम एंट्रेंस एग्जाम करवाने की जिम्मेदारी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए को दी गई थी। चलिए अब आप एनटीए के कामकाज की कहानी को एक बार देख लीजिए। नीट यूजी 2024 रिजल्ट 16 जून 2024 को जारी होना था, लेकिन इसे 10 दिन पहले 4 जून 2024 को ही रिलीज कर दिया गया। देश में उस दिन लोकसभा चुनाव के भी नतीजे आ रहे थे, हर टीवी पर जो है सिर्फ और सिर्फ रुझान और रिजल्ट को लेकर ही बातचीत चल रही थी। 4 जून यानी जिस दिन लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे आए थे, 10 दिन पहले और लोकसभा चुनाव के दिन ही क्यों रिजल्ट जारी किया गया था, सवाल नंबर एक। दूसरी घटना देखिए, 12 जून 2024 को नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट NCET 2024 होना था, लेकिन परीक्षा सभी केंद्रों पर शुरू नहीं हो सकी और इसीलिए इसे स्थगित कर दिया गया। एनटीए ने इसे तकनीकी गलती बताई। बता दें कि NCET 2024 के लिए कुल 40,000 छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन के हिसाब से देश भर के लगभग 29,000 उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए थे। एनटीए की एक और कहानी देखिए, देश की दूसरी सबसे बड़ी प्रवेश परीक्षा कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यानी CUET यूजी का जो 15 मई को 2024 को होना था, परीक्षा से कुछ घंटे पहले नोटिस जारी करके नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने बताया कि ये दिल्ली में एग्जाम पोस्टपोन कर दिया गया और अब ये 29 को होगी, 15 से 29 को, यानी कम से कम 2 हफ्ते बाद। ऐसा क्यों हुआ? जिन बच्चों ने ट्रेन से, बस से, फ्लाइट से टिकट ली होगी, उनका क्या होगा? कोई एग्जाम की वजह से किसी दूसरे शहर पहुंच गया होगा, होटल में रुका हुआ होगा, पैसे खर्च हुए होंगे, इसका जिम्मेदारी कौन उठाएगा? और उससे भी बड़ी बात, एनटीए जैसा एक निकाय जिन्हें एग्जाम को कंडक्ट करना ही जिसका एकमात्र लक्ष्य है, एकमात्र काम है, उस काम में वो लगातार एक के बाद एक एग्जाम को पोस्टपोन करता चला जा रहा है। शिक्षा मंत्री और एनटीए के पास इसका कोई जवाब है क्या? दिसंबर 2023 में दिल्ली के एक सेंटर पर UGC नेट की परीक्षा 1 घंटे देरी से शुरू हुई, कहीं टेक्निकल एरर तो कहीं एग्जाम रद्द किया जा रहा है, कभी सेंटर आखिरी समय में बदल दिया जा रहा है, तो कहीं एग्जाम किसी और सब्जेक्ट का है और पेपर किसी और सब्जेक्ट का मिल रहा है। लेकिन ये सब कुछ सरकार के सामने होता चला गया और सरकार खामोश नजर आई। शिक्षा मंत्री अपने पद पर ठाट बाट के साथ बैठे रहे, नरेंद्र मोदी चुनावी प्रचार करते रहे और इसके बाद भी, नतीजे आने के बाद भी, 240 पर सिमटने के बाद भी उन्हें अकल नहीं आएगा, वो फिर से चुनावी प्रचार में ही लग जाएंगे और उनकी पार्टी, शिक्षा स्वास्थ्य से उन्हें कोई मतलब नहीं। दोस्तों जरा सोचिए, सरकार छात्रों के साथ नहीं बल्कि एनटीए के समर्थन में जस का तस जो है दिखाता हुआ नजर आ रहा है। इन सब के लिए किसे सजा मिलनी चाहिए? सरकार ने क्या एक्शन लिया? क्या छात्रों को अब एग्जाम के बाद अदालत जाने की भी कोचिंग दी जाएगी कि देखिए अगर ऐसा कुछ होता है तो आपको कोचिंग में जो है हम ये वाला सिलेबस इंक्लूड करा देते हैं कि अगर ऐसी घटना घटती है तो आपको कैसे अदालत जाना है और अदालत में कैसे जस्टिस और न्याय मांगनी है, उसकी भी ट्रेनिंग अब हमको देंगे। और इसके बाद भी शिक्षा मंत्री अपने पद पर ठाट बाट से बैठे हुए हैं, उन्हें ना तो कोई हिला सकता, ना उन्हें फर्क पड़ता है और ना ही हमारे देश के प्रधानमंत्री को कोई फर्क पड़ता है, ना वो उनसे इस्तीफा मांग रहे हैं। ये कोई मामूली घटना नहीं है दोस्तों। इसके पहले आपने व्यापम स्कैम को देखा था, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के टॉप लेवल के मिनिस्टर से लेकर के छोटे तबके के कार्यकर्ता तक इसमें शामिल थे। क्या भारतीय जनता पार्टी इसी तरह से सिस्टम को खोखला कर रही है? कोई भी ऐरे गहरे पैसे के दम पर अगर डॉक्टर बन जाता है तो आपकी लीवर के जगह पर 10 साल बाद वो किडनी का ट्रांसप्लांट करेंगे, किडनी का ऑपरेशन करेंगे लंग्स के जगह पर, और इसमें दोस्तों आप भी जिम्मेदार हैं। अच्छी रिपोर्ट तो आप लोगों को पसंद नहीं आती, कभी आप ऐसे रिपोर्ट्स पर ध्यान ही नहीं देते, आप लोगों को मसालेदार खबर पसंद है।
देश नीति आप तक लगातार वो खबर पहुंचाने का प्रयास कर रहा है जो देश हित और आम जनता की जिंदगी से जुड़ा हुआ होता है। तो बिना देर करे इस वीडियो को आगे शेयर करें, आगे फॉरवर्ड करें और ये सवाल जरूर पूछे कि आखिर सरकार, आखिर शिक्षा मंत्री लगातार क्यों एनटीए को, जिसे सरकार खुद बनाई थी, बीजेपी सरकार, अरुण जेटली और नरेंद्र मोदी ने इसे पास कराया था, इस निकाय को लगातार एनटीए को क्यों बचाने का प्रयास किया जा रहा है। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है, क्या वाकई डीवाई चंद्रचूड़, सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ कुछ ऐसा फैसला सुनाएंगे जिससे बीजेपी सरकार हिल जाएगी? क्या ये पूरा एक नेक्सस काम कर रहा है, ये पूरा एक गैंग है जो इस तरह से हर एक चीज में, हर एक सिस्टम को खोखला करने की कोशिश में लगे हुए हैं? आपको क्या लगता है, सरकार क्यों एनटीए को बचा रही है? क्या इसके पीछे सरकार की भी मदद थी? क्या सरकार के बड़े बड़े नेता इसमें शामिल हैं? ये जांच का विषय है। फिलहाल इस रिपोर्ट पर आपकी राय क्या है जरूर कमेंट कर लीजिए, वीडियो को फॉरवर्ड शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद, जय भारत।